नमस्कार, शाम के 5 बजने को है दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सवाल यह है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री क्या इन चारों में से कोई एक होगा? रह रहकर कयास बड़े खड़े हो रहे हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच सकते हैं। कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। सभी विधायकों को गांधीनगर पहुंचने के लिए कहा गया है। कल सुबह हो सकती है विधायक दल की बैठक गांधीनगर। सभी विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया है। बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विजय रूपाणी 5 सालों तक गुजरात की कमान उनकी ओर से संभाला गया, लेकिन चुनाव के ठीक 1 साल पहले बीजेपी की ओर से इतना बड़ा निर्णय लिया जाना अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। क्या बीजेपी का कोई आंतरिक सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा? कोरोना के काल में गुजरात में जो स्थिति बनी थी, क्या इस तरह के संकेत और संदेश थे कि नेतृत्व अगर विजय रूपाणी का रहा तो फिर मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि लोग बार बार सवाल पूछेंगे। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि नए नेतृत्व के जरिए क्या जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएगी गुजरात? ये वही गुजरात है जहां पर नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे और फिर केंद्र में भी उनका कद लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सब ने देखा। 2014 में प्रचंड जीत मिली और 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने बलबूते 303 सीटें हासिल कर ली थी। इसी गुजरात मॉडल को बार बार आगे बढ़ाकर बीजेपी के ये दिग्गज नेता आगे की ओर बढ़ते रहे, लेकिन कौन कौन गुजरात सीएम की रेस में है, ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नितिन पटेल, गोवर्धन झड़फिया, मनसुख मांडविया, सीआर पाटिल। अब रूपाणी के इस्तीफे के बाद इनमें से कौन होगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब वो मीडिया के सामने आए, उनकी ओर से क्या कहा गया, सुनिए। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है, समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे। इस्तीफा हो चुका है। सवाल यह कि अगला मुख्यमंत्री गुजरात का कौन होगा? सीधे रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय अहमदाबाद का, जहां से गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। गोपी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तमाम नेताओं की पहुंचने का सिलसिला जारी है। खबर यह भी है कि गृहमंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं अहमदाबाद और गांधीनगर में कल विधायक दल की बैठक होगी जिसमें फाइनल नाम पर मोहर लग सकती है। किस तरह की और जानकारी मिल रही है गोपी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 9 बजे बाद की उनकी फ्लाइट है जिससे वो अहमदाबाद पहुंचेंगे, लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय पे, उसमें वो शामिल होंगे या नहीं वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा गुजरात का, वो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात और गृह मंत्री अमित शाह की हाँ होगी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 4 बजे शुरू होने वाली थी वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। बताया यही जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर है, क्योंकि बीजेपी पार्टी में ये कहा जाता है कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के नाम की घोषणा होगी कल सुबह जब विधायक दल की मीटिंग मिलेगी, तो वो ऑब्जर्वर उस वहां पे मौजूद रहेंगे, सारे विधायकों को सुना जाएगा, उसके बाद नाम की घोषणा की जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर के नाम की घोषणा है, जो ऑब्जर्वर के नाम अनाउंस होने हैं कि कौन यहाँ पे आएगा विधायक दल की मीटिंग में शामिल होने के लिए, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिसके वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे शुरू होने वाली थी वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल यही है कि नया गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन रहेंगे, क्योंकि जिसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो मनसुख मांडविया का ही चल रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा है एक तो पाटीदार नेता है, सौराष्ट्र से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेताओं में से एक है, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से कैबिनेट में आरोग्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है
है और कोरोना का काल चल रहा है। हालांकि गुजरात में अगर बात की जाए तो गुजरात में जिस तरीके से मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोरोना काल के दौरान काम करने में विफल रहे थे और जिस तरीके से अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लग रही हमने देखी थी, लोग ऑक्सीजन के लिए कतारें लगा रहे थे, तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि मनसुख मांडविया का जो नाम है वो इस रेस में सबसे आगे है। 49 साल के मनसुख मांडविया क्या बनेंगे अगले मुख्यमंत्री गुजरात के, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। केंद्रीय मंत्री है इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और जरा सोचिए 2012-13 में सिर्फ जब 38 साल उनकी उम्र थी तभी राज्यसभा सांसद बनाकर गुजरात से भेजा गया था राजधानी दिल्ली। अब अगला कौन सा नाम हो सकता है अपने आप में बड़ा सवाल है विजय रूपाणी के बाद। फिलहाल के लिए शुक्रिया गोपी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए दंगल की शुरुआत हम करते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सैयद जफर इस्लाम राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद है, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ मौजूद है, सुधीर रावल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और हिमांशु मिश्रा दिल्ली से मौजूद है। हिमांशु सबसे पहले आपका रुख करते हुए उसके बाद जफर इस्लाम साहब आपके पास आऊंगी। हिमांशु अब जरा ये बताइए मनसुख मांडविया ही रेस में सबसे आगे चल रहे हैं या कोई और है जो टक्कर देने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहा है? देखिए बिल्कुल मनसुख मांडविया रेस में भले ही आगे हैं लेकिन सीआर पाटिल जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको आप किसी भी तरीके से रेस के अंदर नहीं पीछे रख सकते हैं। सीआर पाटिल एक ऐसा नाम है जिन्होंने जो संगठन और सरकार के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है वो जानते हैं और जफर इस्लाम क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को जानते होंगे कि जफर सीआर पाटिल कई बार सांसदों को ये बताते हैं कि उनको किस तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके की दो एक्सरसाइज उन्होंने जो है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की है, अशोका होटल में हुई थी वो दोनों मुझे जहां तक ध्यान है। तो सीआर पाटिल संगठन और सरकार का समन्वय जानते हैं, प्रधानमंत्री के बहुत विशिष्ट पात्र हैं, अमित शाह जानते हैं उनकी कार्यशैली को और जिस तरीके से उन्होंने जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और लोकल बॉडीज के चुनाव में जो रिजल्ट आए और जिस तरीके से बाय इलेक्शन उन्होंने जितवाए हैं वो अपने आप में एक बड़ी कहानी करते हैं क्योंकि 8 में से 8 विधानसभा उन्होंने जीते। यूपी में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, 6 में से 5 ही जीत पाई थी बीजेपी लेकिन 8 की 8 गुजरात में जीत हुई थी और इसका ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आप कह रहे हैं कि सीआर पाटिल रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, यकीनन जिस बड़े मार्जिन से लगातार वो चुनाव जीते हुए चले आ रहे हैं हो सकता है लेकिन गैर पाटीदार नेता हैं, क्या बीजेपी किसी ऐसे चेहरे पर मोहर लगाएगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मांडविया जो कि पाटीदार नेता है अब आगे क्या होगा? हिमांशु फौरन लौट रही हूं लेकिन जफर इस्लाम साहब ये चुनाव के ठीक 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई बीजेपी को? देखिए पार्टी में हमारे यहाँ जिस तरह के इंटरनल डेमोक्रेसी है तो सबको और जिस तरह का हमारे यहाँ आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो हम लोग बार बार अलग अलग लोगों को जो भी मजबूत नेता होता है उनको अपॉर्चुनिटी देने का काम करती है तो सब कार्यकर्ता के तौर पे हैं। किसी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है पार्टी के लीडरशिप के द्वारा और वो आज इसी तरह से उनको हटा के किसी और को ये दायित्व दिया जाएगा। नाम जो है बहुत सारे नाम आप लोग चैनल पर देख रहा हूँ अभी हिमांशु जी आप भी कह रहे हैं, नहीं जफर साहब आप ही बोल रहे हैं कि बीजेपी की परिपाटी रही है कि बार बार वो अपना मुख्यमंत्री बदलती है। उत्तराखंड में क्यों बार बार बदलने की नौबत आई है बताने की जरूरत नहीं है, गुजरात में भी नौबत क्यों आ गई सच आप बता दीजिए, वरना मतलब मुख्यमंत्री बदलना उस गुजरात में जहां पर नरेंद्र मोदी 14 सालों तक सीएम रहते हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की परिपाटी है बार बार मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। नहीं मैंने देखे जो आपने कहा उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में दूसरी बार जो है जो मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में जो बदलना पड़ा वो मजबूरी थी इसलिए कि वो एमपी थे और एमपी को जाके वापस इलेक्शन लड़ना पॉसिबल नहीं था, इलेक्शन नहीं हो रहा था, 6 महीने का समय खत्म हो गया था इसलिए मजबूरन उनको हटाना नहीं उनको लीगल कारणों के वजह से उनको हटना पड़ा और इसलिए दूसरे को चांस देना पड़ा, उसकी हटाया नहीं गया था लीगल कारणों के वजह से हटना पड़ा। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि देखिए सीआर पाटिल जी हो या जो बाकी और आप नाम चला रहे हैं वे सब मजबूत नेता हैं, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे वो भी बहुत मजबूत नेता थे, आज किसी को भी दायित्व दिया जा सकता है। सीआर पाटिल जी के बारे में हिमांशु जी कह रहे थे बेहतर तरीके से जानते, मैं इस बारे में टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता के वो पार्टी का अधिकार पार्टी के सीनियर लीडर है और पार्टी के किसी लीडर को ही बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे पड़ोसी भी मेरा घर का दीवार सीआर पाटिल जी के दीवार से मिला हुआ तो हम तो खुश ही होंगे अगर वो बन जाएंगे तो, लेकिन कौन बन रहे हैं मुख्यमंत्री सीआर पाटिल जी? तो ये है कि पार्टी
अगर दीवार है तो दीवार से सुनाई भी देती होगी इस पार की बात, इस पार तो कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, जल्दी से बताइए रोहन गुप्ता जी, बड़े देर के बाद मुस्कुराए हैं, उनके पास में जा रही हूं। देखिए चित्रा जी, मोदी जी को अभी एक नया ठीक है, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन हिमांशु जी को ज्यादा मालूम रहता है हमारे पार्टी के बारे में, तो उनकी बातों पर जरूर ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, अब रोहन गुप्ता जी देखिए, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदलकर दरअसल गुजरात की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोरोना काल की जो नाकामियां रही हैं उस चेहरे को हमने बदल दिया और अब एक नए चेहरे के जरिए बीजेपी नए जोश से आगे बढ़ेगी चुनाव के लिए। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बदलना? देखिए आपने भी जैसे माना कि गुजरात में कोरोना काल में जो विफलता रही, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी अब एक नया खेल खेलने के मूड में है, वो है किस्सा कुर्सी का, जो म्यूजिकल चेयर होते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री ये लोग बदलते जा रहे हैं कि जैसे ही 5 साल का जश्न ये लोग मनाते हैं जो मुख्यमंत्री का, समझ लो कि उसकी छुट्टी पक्की हो गई। आपने येदियुरप्पा जी ने 5 साल का जश्न मनाते हैं, उनकी छुट्टी पक्की हो गई थी, अभी रूपानी जी का भी 5 साल का जश्न मना। देखिए इस प्रकार से जो भाजपा की एक पार्टी है चित्रा जी, एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये विफलता पूरी भाजपा की पार्टी है। हम जब कोरोना काल की बात कर रहे हैं चित्रा जी, मैं गुजरात से हूँ, अभी एक रिपोर्ट आया कि कम से कम 2 से 3 लाख लोगों की गुजरात में मृत्यु हुई है। ये लोग कहते हैं संसद में कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, हम लोग ने अभी कोविड न्याय यात्रा की, हम लोग घर घर पे जो लोग मरे उनके घर पे गए और हम लोग सहन नहीं कर सकते, हम देख नहीं पाए, उस तरह से गुजरात में हाल हुआ है। कहीं ना कहीं भाजपा की जो लीडरशिप है ये जानती थी कि अगर रूपानी जी को रखा गया तो ये सारी जो जो ठीक रहा है वो फूट सकता है। पर मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा का जो सही चेहरा है वो देश की या गुजरात की जनता से सामने छुपने वाला नहीं है। कोरोना काल की विफलता तो महाराष्ट्र से भी लगातार हमने देखी रोहन गुप्ता जी, अगर कोरोना काल में आप ये बता रहे हैं कि किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं मानी, कौन सा राज्य था जो खुलकर सामने आया और उसने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हमारी जनता की मौत हुई है? शुरुआती तौर पर तो कोई भी सामने नहीं आया था, उसमें महाराष्ट्र भी था, उसमें राजस्थान भी था, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे। रोहन जी देखिए यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बात हम राजनीति की नहीं कर रहे, नेशनल डिजास्टर का मतलब होता है कि राष्ट्रीय आपत्ति। अब किसी को सरकार ने नहीं कहा कि राज्य संसद में आके ये कहे कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई है, सब जानते हैं कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की लाइनें आपने भी दिखाई है। मुद्दा यहाँ पे देश की जनता से और राज्य की जनता से झूठ बोलने का है। जो हमारे गुजरात में एक फेमस है गुणोत्सव, रणोत्सव, खेलोत्सव, हर दूसरे महीने में एक उत्सव बनाया जाता है। आज मुझे लगता है कि मोदी जी ने तय किया है कि जो कोरोना काल की विफलता का टिकरा उनके सर पे फोड़ने के लिए विजय रूपाणी का एग्जिट उत्सव चालू हो रहा है। इस प्रकार से राजनीति नहीं चल सकती है। जवाब दे रहे हैं वो, अगर भाजपा ने मुख्यमंत्री बदले हैं इसका मतलब है कि वो विफलता का स्वीकार कर रहे हैं, विफलता स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री बदलकर आप, जफर इस्लाम साहब। देखिए जो जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरे के इसमें ईटा नहीं मारते। ये जरा देखिए इनके पंजाब को लेके देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए कैसे हालत बनी हुई है। यहाँ तो इतना आसानी से जो मुख्यमंत्री को दायित्व हटाया जा रहा है वो खुद आके कह रहा है भाई लड़ाई झगड़ा तो होता है पंजाब में, लड़ाई झगड़ा होता है राजस्थान में, लड़ाई झगड़ा होता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए कि पद के लालची लोग हैं वहां पर, पद की लालच है, यहाँ सत्ता की कोई मोह नहीं है, यहाँ लोगों को सेवा करने की मोह है, इसलिए कि कोशिश होती है सेवा करने के लिए। इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं उसको भी कितना आदर पूरा, नहीं नहीं ये अरे नहीं, जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री किस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई कैसे मना है, सब उन्होंने कहा कि वो कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से लड़े, नहीं आपने एक एग्जांपल सेट किया ये कहा उन्होंने, मैं आपको उसका बिल्कुल लड़ा सकता हूँ, बिल्कुल लड़े अच्छे तरह से लड़े, इसका यह मतलब नहीं कि किसी और को चांस नहीं दिया जा सकता है। आप भाई उनको पार्टी डिसाइड करती है कि किसको कौन सा दायित्व देना, हो सकता है एक मिनट आगे बढ़ते हुए जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है सर, तो मैम से बाहर निकलते हुए, क्योंकि दोनों ही कुनबों में चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो उंगली तो एक दूसरे पर आप उठाएंगे, तीन खुद की ओर भी इशारा करेंगे और दोनों के ऊपर ही लागू हो रहा है। हिमांशु सुधीर जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए जो बात जफर कह रहे हैं मैं उससे थोड़ी सहमत हो सकता हूं, लेकिन जफर भाई को थोड़ा सा पीछे जाके बीजेपी को देखना होगा। याद कीजिए उमा भारती क्यों छोड़ के पार्टी छोड़ के गई थी जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, मदनलाल खुराना को याद करिए आप क्यों वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। ये जहां पर सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होगी वहां इस तरीके की वोकल आवाजें नजर आएंगी। आज कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है तो वहां पे आवाज आ रही है, जब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर थी तो यहां पे भी आवाज आती थी। येदियुरप्पा का उदाहरण बहुत पुराना नहीं है, 2011 और 12 का
उनको पार्टी छोड़ के उन्होंने नई पार्टी बनाई थी जफर जी। तो ये जरूर है कि बीजेपी के पास एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, और इसीलिए पूरी पार्टी के अंदर जो भी ट्रांजिशन हो रहे हैं वो स्मूथ हो रहे हैं। अगर यही सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती तो ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ नहीं होते, और इसीलिए ये मान के चलना चाहिए कि हर पार्टी का लीडरशिप मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत नहीं है, इसलिए वहां पे वोकल आवाजें आपको सुनाई दे रही है जफर साहब, और रोन जी को भी यह समझना होगा कि सेंट्रल लीडरशिप वहां पे कमजोर है इसलिए आवाजें हैं, और लोकल लीडर्स जो रीजनल लीडर्स हैं वो ज्यादा वोकल होकर अपनी बात को उठा रहे हैं। ठीक है, रोहन गुप्ता जी आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आपके वहां जब बर्तन घर के अंदर बजते हैं तो वो ज्यादा दूर तक सुनाई देते हैं, लेकिन सुधीर रावल जी की छोटी सी टिप्पणी मैं ले लूं। सुधीर रावल जी, बीजेपी ने एक साल पहले अगर अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है तो क्या जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाने में वो कामयाब हो पाएगी? क्या वो मैसेज दे पाएगी कि देखिए जिसने काम नहीं किया, जो नाकाम रहा उसका चेहरा बदलकर एक नए नेतृत्व में हम गुजरात की जनता के बीच में हैं? सफलता मिल पाएगी क्या बीजेपी को अपने इस फेरबदल से? चित्रा जी, आपने जो कहा वो बहुत बड़ी चैलेंज पार्टी के लिए है, क्योंकि जो पार्टी 5 साल के अंदर सेलिब्रेशन करने के बाद तुरंत रिजाइन करने को कहती है वो विफलता का एक प्रमाण भी है, और अभी 1 साल के लिए वो कौन नया मुख्यमंत्री कैसे उसको रिकवर कर पाएगा, वो बड़ी मुश्किल की बात है। स्टेट के अंदर हमारे गुजराती में कहावत है, कहानी है, वो राजीनामू कहते हैं, तो हर राजीनामू नाराजीनामू होता है। अभी ये विजय भाई की विफलता है ऐसा सिद्ध हो रहा है, लेकिन विजय भाई रूपाणी का भी कुछ ना कुछ कहना होगा। गुजरात राज्य में भी रिमोट कंट्रोल से शासन हो रहा है तो वो भी एक विफलता का प्रमाण है, और उनकी पार्टी के अंदर आंतरिक जुटबंदी है। कांग्रेस को वो लोग चैलेंज मानते ही नहीं है, और वो मान के अगर चले तो पार्टी की खुद की चैलेंज है। तो आने वाले साल के अंदर यहाँ पाटीदार की भी बड़ी समस्या है, पाटीदार लोग बहुत नाराज है, वो कहते हैं अगला मुख्यमंत्री या तो 20 साल से पाटीदार जो डोमिनेंट कम्युनिटी है इसका मुख्यमंत्री है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ओबीसी और पाटीदार की कैलकुलेशन के अंदर चुनाव का अगर चुनाव के समीकरण दिखाया जाए तो मुख्यमंत्री की कमान सौंपी ही गई थी, लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया। फिर आनंद तो पार्टी में 5 साल के बाद चेंज करने का कोई रवैया नहीं, एक्सेप्शन थे नरेंद्र भोई, उन्होंने 15 साल काम किया, तो ये एंटी इनकम्बेंसी है, और पार्टी की विफलता है वो सिद्ध होती है, और जैसे कोरोना से ज्यादा और भी प्रमाण तो है ही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी आएगा तो जो कुल मिला के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और ये पार्टी ऐसा मानती है कि एंटी इनकम्बेंसी से बाहर आने के लिए कोई चेहरा बदल दिया जाए तो लोगों में नई आशा हो, संगठन में नई चेतना हो, लेकिन इस बार जो गुजरात की हालत है उस देखते नहीं लगता है कि जैसे नरेंद्र भाई जब आए थे और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी थी ऐसा कोई सक्षम आ जाएगा और वह पूरा पवन चेंज कर देगा। गुजरात मॉडल था जफर इस्लाम साहब, 1 साल बहुत कम वक्त है, उस मॉडल को वहां के नेतृत्व ने धराशायी करने का काम किया, इसी वजह से चेहरा बदलना पड़ा आपको। यहाँ चेहरा बदलने के लिए गुजरात राजनीति की बात है तो बीजेपी चेहरा बीजेपी खुद ही है। नहीं एक मिनट बीच बीच में देखिए, मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को कि भी एक एक करके बात करें, इसलिए कि उनको बीच में बोलने की आदत है। मैं उनके बीच में एक बार भी नहीं बोला, तो रोहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बातें कहिए, मैं अपनी बातें, ताकि दर्शक भी सुन सके क्या बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी जो अभी कह रहे थे हिमांशु जी, उसको पुरानी बातें, मैं तो इतना कहूंगा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया जमाना है, मोदी जी का जमाना है, सारी बातें जो है अभी नई जुबानी, तो इसलिए आज जो हो रहा है वो सब काम के बेसिस पे है, काम के जिस तरह के हमको अलग अलग लोगों को अलग अलग की जिए अलग। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही है कि मैं कह रहा हूँ कि आज जो है वो नीड बेस्ड है, कि जरूरत है लोगों को, पार्टी का काम क्या है, लोगों के लिए काम करना, लोगों के काम करने के लिए हर के अलग अलग शैली है और उस शैली का इस्तेमाल करना है। तो आज अगर मुझे लगता है रूपानी जी को अगर दूसरा दायित्व, पार्टी जरूर देगी दूसरे दायित्व जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण दायित्व है, ज्यादा राजनीति ऐसी होती है। सीधे बताइए ना कि मुख्यमंत्री क्यों बदला गया, सीधे बताइए, वो कितने दुखी होंगे मुख्यमंत्री पद जिसका चला गया। आप कह रहे हैं कि उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, वो बड़े खुश हो जाएंगे। अब चुनाव था, चुनाव के ठीक पहले आपने सीएम बदल दिया, आप कह रहे हैं वो खुश होंगे, बताइए ना क्यों बदल दिया गया मुख्यमंत्री। चित्रा जी यही तो आपको फर्क है इस पार्टी में, जो आपने कहा कितना दुख होगा, जरा सा भी दुख नहीं होगा रूपानी जी को, इसलिए कि सत्ता की मोह से कोई रहता ही नहीं है, सबको चाहिए सेवा, सेवा करने का उनको पूरा मौका दिया जाएगा, लोगों की सेवा करेंगे अलग अलग दायित्व से करेंगे, पार्टी उनके पूरे जितनी उनकी क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस पार्टी नहीं कि घमासान लड़ाई चल रही है पंजाब में,
तो हरियाणा में पर्याम नहीं है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मारकटाई चल रही कि चीफ मिनिस्टर भाग दौड़ के इधर आना पड़ रहा, वहां जाना पड़ रहा। यहाँ देखिए कितना शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि मैं अपना रिजिग्नेशन देता हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता का काम है अपना दायित्व निभाना, एक दायित्व दिया गया था और दायित्व अलग अलग लोग टाइम समय पे अलग अलग दायित्व दिया जाता है। ठीक है, रोहन गुप्ता जी, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी नहीं है बीजेपी, यहाँ पर जिसको जो दायित्व मिलता है वो बहुत खुशी खुशी लेता है, आगे बढ़ता है। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल संवेदनहीन नहीं है। उन्होंने कहा कि छोड़ो कल की बात है। जफर जी, मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, आप अच्छे इंसान है, जिस परिवार ने अपने सदस्य को कोरोना में विदाउट ऑक्सीजन गवा दिया, क्या वो भूल जाएगा वो बात को? एम्बुलेंस के जिना जिसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई, क्या वो भूल जाएगा उस बात को? रेमडेसिविर के बिना जिसकी मृत्यु हुई, क्या वो भूल जाएगा उस बात को? आप ये नहीं भूल सकते कि गुजरात में 3 लाख से करीब ज्यादा मौतें हुई है। जफर जी, एक संवेदनशील मुद्दा है और आपकी नेतागिरी में उसी को ध्यान में लेते हो, रूपाणी जी को बदला है, इस प्रकार से आप अपमान मत कीजिए गुजरात की जनता का। और चित्रा जी देखिए, ये मैं एक गुजरात के नागरिक के नाते बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी को भी पूछेंगे, इनके जो रूपाणी जी की और सीआर पाटिल जी की बात चल रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक बहुत बड़ा जत्था उन्होंने अपने कार्यालय से दिया, तब रूपाणी जी को पूछा गया तो उन्होंने बोला आप सीआर पाटिल को पूछ लीजिए, नितिन पटेल को पूछा गया तो बोला रूपाणी को पूछिए। जिस प्रकार से एक जो खेल चल रहा था पिछले कई दिनों से गुजरात की जनता के सामने, भाजपा की इमेज बुरी तरह से डेंट हो चुकी थी और कहीं ना कहीं झूठ कितना आप चलाओगे चित्रा जी? गुणोत्सव, जन्मोत्सव, कितने उत्सव आप मनाएंगे? आपको जनता को जवाब तो देना पड़ेगा। कहना है चित्रा जी कि अगर आपकी जवाबदेही है, आप स्वीकार करें तो आप ईमानदारी से स्वीकार कीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री विफल रहे, हम गुजरात की जनता से माफी मांगते हैं, हमको इस प्रकार से उत्सव नहीं बनाने चाहिए और माफी के रूप में हम लोगों को माफ करके आप लोग हम मुख्यमंत्री नया दे रहे हैं, वापस हमको मौका दीजिए। तो मुझे वो कह रहे हैं कि माफी मांगे गुजरात की जनता के बीच में जाकर, जफर इस्लाम साहब। बिल्कुल, और ये माफी का ही एक प्रतीक है चित्रा जी। अरे मैं तो कह रहा, जिस तरह का इन लोगों ने लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और जिस तरह से आप देखिए जो राजस्थान और पंजाब और इस छत्तीसगढ़ में जिस तरह का नाटक रचाया जा रहा है, आप में मतलब आप अगर और आप देखिए उसके उसके बरक्स देखिए, अगर हमें 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 चीफ मिनिस्टर चेंज करना है, कोई ने दूसरी दायित्व देना है, किसी को ये दायित्व देना है, तो कोई इसका मुद्दा नहीं बनता हमारे यहाँ। इनके देखे तो सिद्धू मनाते हैं, सिद्धू कहते हैं कि बाकी लोग बुद्धू है, सिद्धू कहते हैं बाकी लोग बुद्धू है, नहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं सिद्धू के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। आप देखिए उदय ने आप राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को हटा देते हैं और राजस्थान के कई लोगों को वो हटा देते हैं, डराते हैं, घुमराते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो चलते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में वो उनका ऐसा लगता है कि वो भागे जा रहे हैं। अरे तो नहीं बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोला बीच में, क्यों परेशान हो जाते हो? जब ही पोल खुलती है तो परेशान हो जाते हो क्या? अरे हकीकत तो खुलने का क्या सोच रहे हो? जनता नहीं समझ रही, जनता देख दे रही है, नहीं जनता तो देख रही है कि कितना स्मूथ ट्रांजेक्शन है, कितना स्मूथ ट्रांजेक्शन है, इसलिए कि दायित्व से रिलेटेड है, चेहरा नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, चेहरा नहीं, दायित्व इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ चेहरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी जनता का अपमान है। इसको पूछते हैं, ठीक है रोहन गुप्ता जी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी तो ये भी तर्क दे रही है ना, मैं लौट रही हूँ जफर इस्लाम साहब, आप ये बताइए ना हटाया क्यों कोरोना इफेक्ट, आप आइए मेन मुद्दे पर आइए ना। लेकिन रोहन जी, इसी के साथ आपसे भी सवाल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को दिल्ली से किस तरह से केशुभाई पटेल की जगह पर चीफ मिनिस्टर बनाकर 2001 में भेजा गया, उसके बाद उन्होंने एक भी चुनाव जब तक वो मुख्यमंत्री रहे वो नहीं हारे, लगातार वो आगे की ओर बढ़ते रहे, तो इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल गुजरात में ही है जब अपने मुख्यमंत्री को बीजेपी बदलती रही है। कांग्रेस पार्टी क्या बड़ी चुनौती अब 2022 में बन पाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2017 में मुश्किलें पैदा जरूर की थी लेकिन सत्ता से बहुत दूर हो गई थी कांग्रेस, ऐसे में जो डैमेज हुआ है कंट्रोल की कवायद के तहत बीजेपी अपना चेहरा बदलने जा रही है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री ये बड़ा सवाल है। गुजरात का कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसी बात को लेकर चर्चा लगातार जारी है। विजय रूपाणी का इस्तीफा क्यों हुआ, बार बार बीजेपी से यह सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना ही होगा जनता के बीच जाकर कि आखिर नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्यों आन पड़ी, वो भी चुनाव के ठीक एक साल पहले। वैसे बीजेपी अपने आप
इतिहास को दोहराती हुई भी दिखाई दे रही है। साल 1998 केशुभाई पटेल दोबारा मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी से गुजरात में, लेकिन बाद के दो उपचुनाव वो हार जाते हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह देता है। फिर नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा जाता है और उसके बाद जो उन्होंने पैर जमाया गुजरात में, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पाई और 14 सालों तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और बाद में केंद्र में भी उनकी ताकत लगातार बढ़ती हुई चली गई। अब यकीनन रोहन गुप्ता जी, अगर इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊं, क्योंकि बीजेपी का इस तरह का इतिहास रहा है, वो अपना मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल कितने वरिष्ठ और दिग्गज नेता थे, लेकिन उनको हटाकर नरेंद्र मोदी को दिल्ली से भेजा गया, तो वही स्थिति अभी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और मोदी जी ने 49 साल की उम्र में जब पहली बार कमान संभाली थी चीफ मिनिस्टर की, मनसुख मांडविया भी उतने ही उम्र के हैं, कहा जा रहा है अगले मुख्यमंत्री वही बनाए जा सकते हैं। देखिए चित्रा जी, जो आपने कहा उसमें फर्क है, अभी 5 साल का उत्सव मनाया जाए, उनमें रूपाणी जी की जो काफी उपलब्धियां भी रहेगी, उन्होंने बाई इलेक्शन भी काफी जीते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन भी जीते हैं, तो ऐसा क्या मुद्दा रहा? जो मेरा जफर भाई से पूछने का सवाल यही था कि आप ईमानदारी से जनता को बताएंगे तो शायद जनता आपको एक मौका दे सकती है कि नहीं, चलो इन्होंने सच बोला। देखिए मुद्दा यहाँ पे चित्रा जी, उन्होंने कहा छोड़ो कल की बात है, गुजरात में बहुत विकट परिस्थिति रही, 3 लाख से करीब लोगों की मृत्यु हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ 75% लोगों को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिली, खुद के पैसे से उनको जाना पड़ा, ऑक्सीजन से हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, वहां पे कौबांड भी हुए, मास्क कौबांड हुए, वहां पे वेंटिलेटर कौबांड हुए, जनता ये भूल नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब आंकड़े सब उन्हीं के पास है, सेंट्रल लीडर सरकार के पास वो आंकड़े नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास आंकड़े हैं। झूठ बोलना बंद कीजिए। अरे काय को बकलाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि झूठ तो कम से कम मत बोलिए, जफर इस्लाम साहब आप बताइए ना कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा, वजह बताइए ना, क्या कारण है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, कारण से क्यों बचना चाह रहे हैं आप? देखिए एक ही मात्र कारण होता है इस पार्टी में कि दायित्व चेंज करने का अधिकार जो है वो सेंट्रल लीडरशिप को है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है। अगर उसके समझ में है कि किसी और को, किसी एक को, किसी और को दायित्व देना चाहिए, तो वही दायित्व दिया जाता है जिसके लिए वो सेंट्रल बॉडी जो है हमारी वो डिसाइड करती है। अगर उसने ऐसा सोचा है उस बॉडी ने कि इनको कुछ उनको उनके उनको कोई और दायित्व देना चाहिए, तो जाहिर उनको कोई और किसी और को ये दायित्व देना चाहिए तो किसी और को ये दायित्व दिया जाएगा। इसमें कोई मुख्य कारण नहीं, कोई आपको लगा आपकी उम्मीद कर रहे थे, मैंने नहीं, कोई आपको उम्मीद थी कि इनको हटाया जाएगा, नहीं थी ऐसी कोई बात ही नहीं। अरे कोई जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में एक आदमी खड़ा है कि मुझे बनाना है, राजस्थान में एक आदमी खड़ा है कि मुझे भी बनना है, पंजाब में खड़ा है कि मुझे भी बनना है, यहाँ ऐसा कुछ था क्या? अरे रोहन जी भी सपना में नहीं सोच सकते थे? रोहन जी क्या सपना में सोच सकते थे? सपना में क्या सोच सकते थे? भाजपा के सांसद बनेंगे, आपने भी नहीं सोचा था, वो बात का मतलब नहीं है। मुद्दा है दायित्व का स्वीकार कीजिए, विफलता का स्वीकार कीजिए। आप मेरे मुंह की बात से मैं वही बोल रहा हूँ। अरे भाई तो पार्टी भाई यही तो चाहता हूँ, पार्टी जिसको दायित्व विफलता का पार्टी यही भाई आपको चाहता है, कांग्रेस पार्टी नहीं समझिए, पार्टी दायित्व देती है। मैं सुधीर रावल जी के पास आऊंगी और साथ ही हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, बार बार आप इस बात से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि गुजरात में कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी उसी के कारण मुख्यमंत्री को हटाया गया, खबर यही है, लेकिन आप उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर आपको बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री को क्यों बदला। लेकिन रोहन गुप्ता जी, ये बातें आपके ऊपर भी उतनी ही लागू होती हैं। महाराष्ट्र में कोरोना काल में क्या स्थिति थी हम सब ने देखा है, किस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, अलग अलग दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन सरकारों का क्या जब वो सामने आकर ये बताती है कि नहीं ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, तो कोई भी एक सरकार ऐसी नहीं थी इस देश में, कोई भी राज्य सरकार जो दावे से ये कह सके कि कोरोना काल को हमने अपनी जनता के हित में बहुत बेहतर तरीके से संभाला और हमारे वहां किसी की भी जान नहीं गई। तो इस बात से इतर जाते हुए हिमांशु एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, आपको बता दें मनसुख मांडविया को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही है कि यही बन सकते हैं मुख्यमंत्री। 49 साल के हैं मनसुख मांडविया, लेवा पटेल समुदाय से आते हैं, गोपी जुड़ चुके हैं। गोपी, मनसुख मांडविया पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर, क्या खबर है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं चित्रा, मनसुख मांडविया बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनके साथ यहां पे डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी यहां पे पहुंचे, साथ ही गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा भी यहां पे पहुंचे, यानी बीजेपी के जितने भी आला नेता है और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो सारे यहां पे पहुंचे हुए हैं बीजेपी दफ्तर। कुछ ही देर में गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है सी आर पाटिल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे, लेकिन जो नामों की घोषणा है उसमें सबसे बड़ा नाम अगर हम कहें तो वो मनसुख मांडविया के साथ साथ सी आर पाटिल का भी लिया जा रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसमें किसे गुजरात की कमान सौंपी जाती है, क्योंकि 2022 का चुनाव होना है, वैसे में 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के सामने है, तो वैसे में बीजेपी को अगर 2022 का चुनाव जीतना है और साथ ही जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में जो सरकार की फेलियर थी और सरकार कहीं ना कहीं जहां अस्पतालों पे लंबी लंबी कतारें रहती थी तो उसे विपक्ष जिम्मेदार बताता है कि सरकार यहां पे विफल रही है। तो माना यही जा रहा है कि ऐसे कई मुद्दे हैं उससे उभर कर अब कौन ऐसा मुख्यमंत्री गुजरात को बीजेपी की ओर से मिलेगा जो 2022 में गुजरात को जो 150 का टारगेट रखा हुआ है, 182 में से 150 सीट प्लस का जो बीजेपी ने टारगेट रखा है, इस टारगेट को अचीव करवा दे, इस तरीके का ये बहुत बड़ा टारगेट है और उसको अचीव करने के लिए करिश्माई नेतृत्व किसका होता है, ये बड़ा सवाल है। गोपी, एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया नितिन पटेल जो कि उप मुख्यमंत्री है पहुंचे हुए हैं, मनसुख मांडविया वहां पर पहुंचे जो सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता देती है। अब ये बताइए ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन दिख रहा है, आत्मविश्वास से लबरेज कौन नजर आ रहा है इन चेहरों में? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब मनसुख मांडविया से बात हुई रही थी, जब मनसुख मांडविया कमलम के सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो मनसुख मांडविया ने ये बोला कि मैं शायद नहीं होऊंगा इस रेस में, तो मनसुख मांडविया ने तो ये साफ कर दिया क्योंकि हाल ही में उनको कैबिनेट लेवल के मंत्री बनाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो सी आर पाटिल का नाम है, सी आर पाटिल के साथ साथ गोधन जड़फिया और नितिन पटेल, ये जो नाम है ये लगातार रेस में बने हुए हैं, क्योंकि हालांकि मनसुख मांडविया का नाम इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि मनसुख मांडविया प्रधानमंत्री के काफी विश्वासु रहे, जब कोरोना काल में बीजेपी की हालत खराब थी तब बीजेपी ने उन पे भरोसा रखा और उनको आरोग्य मंत्री बनाया और वो भी कैबिनेट लेवल के आरोग्य मंत्री बनाया, यहां तक कि जो प्रधानमंत्री की मीटिंग होती थी ऑक्सीजन सप्लाईज को लेकर जब ये मीटिंग मिलती थी तब भी मनसुख मांडविया उसमें मौजूद रहते थे। तो उनका जो भरोसा था कि इस कोरोना काल के अंदर मनसुख मांडविया जो सिचुएशन है उससे बाहर ला पाएंगे, तो वैसे में अब 2022 के चुनाव जब गुजरात में होने हैं तो 2022 के लिए भी ये भरोसा क्या मनसुख मांडविया पे बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी के लिए ये चित्रा हमेशा कहा जाता है कि यहां जिसका नाम चर्चा में होता है वो कभी इस रेस में नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर गुजरात का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, बीजेपी किसको ये कमान सौंपेगी, क्योंकि 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। गुजरात में 27 साल का राज, विकास मॉडल के तौर पर गुजरात को देखा जाता है, अगर 22 में ये चुनाव होने हैं तो कौन ये चेहरा होगा जिस पे बीजेपी अपना बीजेपी कमान सौंपेगी? यकीनन 2017 में जो गलतियां बीजेपी की ओर से की गई थी जिसके बाद 100 के आंकड़े को क्रॉस करना भी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा था, हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बचा ली थी, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं चाहती, यही वजह है कि अब नए चेहरे के तौर पर आगे बढ़ेगी। और अब हिमांशु, आप मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे जब गोपी ने यह कहा कि जितने नाम टीवी पर चलते हैं उनमें से किसी पर भी मुहर नहीं लगती है, ये बात तो सच है। और हाल ही में जब कैबिनेट रिशफल हो रहा था उसमें से बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, बहुत सारे टीवी पर नाम चल रहे थे, लोग फोन करके कह रहे थे प्लीज मेरा नाम मत चलवाइए क्योंकि जिसका नाम टीवी पर आता है उसका नाम काट दिया जाता है, तो ये एक डर तो बीजेपी के भीतर बना ही रहता है। ये बिल्कुल, ये बात तो जफर साहब भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि टीवी पे जिसका नाम चलता है वो कट जाता है। नितिन पटेल जो है इसके भुक्तभोगी तो नहीं कहूंगा लेकिन दूध के जले छाछ फूक फूक के पिएंगे इस बात, वो इस तरीके के इंटरव्यूज नहीं देंगे, देखिए जो जिम्मेदारी मिल रही है मैं उसके लिए तैयार हूं, इस तरीके की बातें जो है अब नितिन पटेल तो कम से कम नहीं करेंगे जो उन्होंने गलती 2016 में की थी। लेकिन एक सवाल जरूर है मेरा जफर साहब से है, जफर साहब ऐसा क्यों हो रहा है कि पार्टी को एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से क्यों? क्या विजय रूपाणी के ऊपर आपको भरोसा नहीं था जिन्होंने 2017 जिता दिया, भले ही आप 100 के अंदर आ गए 99 सीटें ही जीत पाए थे, उन पे इतना भरोसा नहीं था कि 2022 जिता देंगे, 5 साल का कार्यकाल था उनका, इतनी अचीवमेंट्स थी जिसको आप गिनाते थे और वो गुजरात मॉडल जिसको लेकर आप कहते हैं कि देखना है तो चलिए गुजरात के अंदर चलिए, क्या डेवलपमेंट होता है ये गुजरात बताएगा, क्या विजय रूपाणी पे इतना भरोसा नहीं कि वो 2022 जिताएंगे? देखिए मैं
हिमांशु जी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप तो बीजेपी बीट को कवर करते हैं, बीजेपी को बहुत अच्छे से हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों समझते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप अपने एक्सपीरियंस, जो मैं कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को आप टटोलेंगे तो लगेगा कि हाँ जफर भाई की बात सही है। हमारे पार्टी में किसी एक चेहरा को नहीं, जो सबसे बड़ा चेहरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद, सिर्फ संगठन ही संगठन है, किसी एक आदमी का चेहरा नहीं होता है। संगठन लड़ता है लड़ाई और लोगों का विश्वास जो है हमें सत्ता में लाता है। हम लोगों का विश्वास जीते हुए हैं, जीते हुए थे और जीते रहेंगे, यही हमारी कोशिश होती है। किसी एक व्यक्ति के लिए हम ये कोशिश की वजह से हम इलेक्शन जीतते हैं, ऐसा पार्टी में कोई नहीं मानता भाई, कोई हमारी पार्टी में ऐसा नहीं मानता। संगठन की वजह से जीतते हैं, लोग कार्यकर्ताओं की वजह से जीतते हैं और पूरा पूरा जो उनका जो श्रेय जो है कार्यकर्ताओं की वजह से। इसलिए जफर साहब, अगर ऐसा है संगठन की वजह से जीतते हैं तो फिर मुख्यमंत्री क्यों अनाउंस करते हैं? आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस करके क्यों जाते हैं चुनाव के अंदर? नहीं देखिए, अगर संगठन ही सर पर ही है तो आपको आसाम की तरह ही जाना चाहिए। देखिए आपको फिर क्यों छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह को अनाउंस करके गए थे, क्यों शिवराज सिंह चौहान को? संगठन ही सब कुछ है, किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसको हटा दिया गया उसको आप ये कहेंगे कि नहीं उनकी काबिलियत हटा दिया गया, हमारे घर में ऐसा ही होता रहता है? मैं सुनिए, मैंने अंशु जी का सवाल सुना, वो अच्छे एंकर भी हो सकते हैं, मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए कहीं ऐसे कोई ऐसे स्टेट होते हैं छोटे खास के स्टेट जहां पर उसका कोई भी व्यक्ति जो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा होती है, ऐसे के लिए जब वहां पर जितने भी जो प्रत्याशी होते हैं या प्रत्याशी होने वाले थे या कार्यकर्ताओं के फीडबैक ऐसे होते हैं कि इनको बनाने में हमारा अच्छा होगा, तो ऐसा कई बार हुआ, ऐसा हमने अनाउंस किया, लेकिन उसके लिए गए हैं। ऐसा समझ जिसको में आ पहले हर लोग चाहते हैं कि क्लोजिंग कमेंट, लेकिन जी लेकिन ऐसा जहां पर आपको जरा सा भी ऐसा लगता है, नहीं जरा सा भी ऐसा नहीं बोलना, जरा सा भी ऐसा लगता है, इतना बड़ा शो है जहाँ पर थोड़ा भी देश की जनता देख रही है, लोग बस रहते हैं चुके हैं। ठीक है, एक चीज को स्वीकार कीजिए कि आप उनके नेतृत्व बिल्कुल जीत सकते थे, इसमें चित्रा जी छोटी सी चीज मैं क्लोजिंग कमेंट करना चाहूंगा। देखिए जफर भाई, जिस प्रकार से आप डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के प्रति, देखिए आप बिना कोई चीफ मिनिस्टर का मुंह चीफ मिनिस्टर का चेहरा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दोनों के बिना जी सकते हैं। मैं जफर भाई एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि मुझे हर चीज को चुनाव से मत जोड़िए, ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज को हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, संगठन मजबूत है, चित्रा जी बेसिस पे जीते। चित्रा जी एक बार सुन लीजिए, राहुल गुप्ता जी फोन करने के लिए जुड़े हुए हैं, मत बोलिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं है। एक एक करके सुन लीजिए तो आपको लगेगा, अरे डरिए मत जफर भाई, कांग्रेस जल्दी से बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी कांग्रेस पार्टी? 27 सालों से तो आप लोग गायब हैं, तो लग रहा है कि इस बार कुछ कमाल हो जाएगा गुजरात में। देखिए यहाँ पे आप लोग, हम 2017 की बात करें, इन्होंने 150+ का वादा किया था और 99 पे आके अटक गए, कहीं ना कहीं इनके जो अहंकार है गुजरात की जनता ने देखा था, पर कोरोना काल में जो अहंकार की पराकाष्ठा हो गई, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश की जनता हो या गुजरात की जनता इसको माफ करेगी। जफर चलिए ठीक है, अब इंतजार करना होगा 2022 का, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पद के तौर पर किस चेहरे पर लगती है मोहर, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा